इसलिए हमें वो काम करना पड़ गया जो हम नहीं करना चाहते। और ये देखो मतलब बहुत ही खतरनाक बस जो है अभी भी नीचे ही पड़ी है। प्रोजेक्ट कार ऐसी भी होनी चाहिए जो सबसे डिफरेंट भी हो, शेल और चेसी यूज होगी। यार अब आ जाती है आपको ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाने वाली जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये दिख रहा है आपको 2H। कौन सी गाड़ी जो है हमें लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी हमें अपनी प्रोजेक्ट कार में कंसीडर करनी चाहिए, इतनी जल्दी आपके कमेंट्स आएंगे ना उसी पे डिपेंड करता है। ये देखो वेलकम बैक टू द चैनल। लगभग यहाँ पे धूप जो है वो निकल जाती है 5:30 बजे, लेकिन अभी क्या है कि फिर से जो है बादल छा चुके हैं, मौसम जो है वो खराब होने वाला है। तो इससे पहले कि मौसम ज्यादा खराब हो हमें यहाँ से निकलना भी है। अपनी पैकिंग वैकिंग करते हैं और निकलते हैं। एक कैंपिंग यहाँ पे रात को हुई थी और एक वहाँ नीचे हुई थी, लेकिन जो हल्ला वल्ला भी हो रहा था काफ़ी, लेकिन वो क्या सुबह जल्दी निकल गए उठने से पहले। तो हमने सिर्फ कैंप करना था, एज सच कोई वो नहीं था। ब्रेकफास्ट वगैरह भी जो है वो नीचे ही करेंगे, हालांकि चाय बनाने का हमारे पास प्रोविजन तो है ही है, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि नीचे ही करेंगे जो भी है। तो लेट्स गो। तो गाइस पैकिंग तो हमने कर ली है, ठीक है, सामान सारा रह गया, बट इस जगह से ना जाने का मन सा नहीं कर रहा है। मोहित वहाँ बैठा है डॉग के पास, मतलब इस जगह में ना बड़ी अच्छी सी वाइब सी है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन मन करे ना करे जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए निकलते हैं। और मौसम वैसे बताया हुआ है ख़राब, लेकिन मुझे कहीं से भी लग नहीं रहा कि मौसम ख़राब होने वाला है। जब आए हुए हैं तो एक बारी छत खोल के भी फील ले ही लेते हैं, मतलब क्यों अपने आप को तरसाना क्यों है ना। दिक्कत ही हो रही है, जैसे जो पीछे वाला टायर है ना उसमें जहाँ गाड़ी स्किड करी या कीचड़ वीचड़ में, तो वो सारा कीचड़ टायरों में लग गया, तो अब वो कीचड़ की छींटे ऊपर फेंक रहा है। हमारी गाड़ी पीछे से खुली हुई है तो कंबल वंबल तकिए वकी सब गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं गाड़ी स्लो स्लो चला रहा हूँ जब तक वो पूरे टायर साफ हो जाए ना, उसके बाद ही चलाने का मजा है। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट भी करनी है, भूख लगी। पहुंच चुके हैं हम ब्रेकफास्ट करने के लिए सुबह यहाँ पे। तो अभी क्या है कि जैसे ना इसको खुला रखते हैं ना, तो कहीं भी पानी आता है, कीचड़ आता है, तो इन टायरों से सारा गंद जो है अंदर चला जाता है। उधर देखो ब्लैंकेट वगैरह ही पड़ा है ना, पिलो वगैरह ही पड़ा है। और अब क्या है कि हवा भी आस्ते आस्ते गर्म होना शुरू हो गई है, मतलब ऊपर ठंड थी बट यहाँ अब गर्म होना भी शुरू हो गई है, तो इसलिए इसे कर लेते हैं बंद, खाना खाते हैं और फिर सीधा पहुंचते हैं घर, और जो भी आगे के सीन्स हैं वो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ये देखो कहाँ कहाँ फिर कहाँ कहाँ से निकाले हैं गंद ना। खाने मंगाए थे हमें चाय टोस्ट, वो खा लिए। वीडियो जो है हमने रेंडर के लिए लगाई थी, ये देखो रेंडर जो है कंप्लीट हो गई है। अपलोड यहाँ नहीं करेंगे, अपलोड घर जाके करेंगे, क्योंकि 2 मिनट में हो जाएगी, यहाँ मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। निकल चले हैं सफर की और फिर से छत बंद ही होता है, कॉन्फिडेंस ही होता है। और अब क्या है कि इधर से ही गर्मी हमें लगना शुरू हो गई है, फिर एसी वेसी लगाना था तो इसलिए सॉफ्टवेयर बंद करनी थी, मतलब कि 10 किलोमीटर भी नीचे नहीं आए होंगे और गर्मी शुरू हो गई है। घर जाके तो बुरी हालत होगी हमारी। तो अगर जाम ना हो ना तो ये डिस्टेंस हमारा कुछ भी नहीं है, मतलब हम हार्डली मुझे लग रहा है आधा घंटा भी नहीं लगा, तो पत्नीटॉप से सीधा नीचे उधमपुर तक भी आ गए, और जाम हो तो 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं इधर ही। तो आपने सुना ही होगा ना, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, वही हो गया, कहा ना जाम नहीं था। गाइस जाम तो मिल गया, ये बॉय टवेरा वाले भाई का स्वैग है, पर हमारी वाली लाइन ब्लॉक क्यों है बिल्कुल। फाइनली हमें वो काम करना पड़ गया जो हम नहीं करना चाहते, क्या करें, कम से कम भी 20-25 मिनट तो हमें हो गए लाइन पे लगे। तो अब वो एक आ रही पुलिस की गाड़ी आगे जा रही है, उसके पीछे 2 गाड़ियां थी, तो हमने भी अपनी लगा ली फिर पीछे, बाकी उस साइड जाम देखो आप, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस साइड भी जाम होता है, मेरे को लगा सिर्फ हम आते हैं तभी जाम होता है। ये वैसे मोहित हमने कब क्लियर करना था, शाम तक पहुंचेंगे। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा जाम था, इसमें तो बहुत टाइम लगना था भाई। यार मेरे को ना जाम से बहुत दिक्कत, और हमारे ही यहाँ ज्यादा हालत खराब है, नहीं तो जैसे यहाँ ना आपको रेगुलर जाम मिलेगा
मतलब कोई आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको जाम नहीं मिलेगा, बट ना मिलेगा मिलेगा, लेकिन ऐसे कई जगहों पे सिर्फ ओकेजनली होता है, कोई मसला हो तो ही जाम मिलता है, यहाँ एक्सीडेंट वाले जाम नहीं होते। ठीक है गाइस, यहाँ अभी रुक गए थे यहाँ से जो बस का एक्सीडेंट हुआ है, और ये देखो मतलब बहुत ही खतरनाक बस जो है अभी भी नीचे ही पड़ी है, अगर आपको दिख रही है यहाँ पे काफी खतरनाक और काफी ज्यादा लोगों की जान भी गई है इसमें। सो बस सेफ चले, क्योंकि ये देखो ना ओवर स्पीडिंग का ही मसला हो सकता है, क्योंकि सामने से भी कोई क्या आएगा, यहाँ से ये पैराफिट तोड़ते हुए बस नीचे गई है, फ्रंट वाला उसका यहीं पे पड़ा हुआ है, ये देखो है ना, फ्रंट एक्सल है पिछला है, फ्रंट ही है, डेड एक्सल है ना। तो गाइस जम्मू पहुंच चुके हैं, पीछे गाड़ी देखी थी लेकिन जाम इतना था, हम आगे निकला है तो अभी वो गाड़ी दिखाते हैं आपको, कोई बंदा ना नारियल पानी पी रहा था, दिखाते हैं आपको कौन बंदा है। पहुंच चुके हैं घर वापस, और यहाँ पे आके एकदम गर्मी बढ़िया बढ़िया सी लग रही है, ऐसे लग रहा है कि हमारे स्किन बर्न हो जाएगा, तो चलो कोई नहीं, ठीक है, एक दिन का मूड फ्रेश करके हम आ चुके हैं, और अभी सारा सामान है वो गाड़ी से निकाल के रूम पे रखते हैं, इसे वॉशिंग पे भेजते हैं, और ये वो गाड़ी है जिनको हमने रास्ते में जूस पीते हुए पकड़ा था। ज्यादा गर्मी लग रही थी क्या? नहीं यार ऐसे ही था। तो नारियल पानी पी रहे थे आप? आपने हमें देखा नहीं? मैंने देखा। हाँ तभी तो मैं कहा तभी गर्मी लग रही है, नारियल पानी पी रहे हैं ये, और ये क्या है? अरे ये क्या है ऊपर? गाइस घर के लिए एक नई गाड़ी, एक पाइप क्यों फंसाई है पर इसके ऊपर क्या ले आए हो शर्मा जी? ये अभी अनफिनिश्ड है ये वाली, ये तो ठंडी ज्यादा लग रही थी, मतलब नारियल पानी अलग से। चलो ठीक है, पहले सामान निकालते हैं फिर गाड़ी लगाते हैं। तो फिलहाल हो चुके हैं रेडी, नहा धो लिया हमने, मैंने भी, मोहित ने भी, एंड सर शायद घर से नहा कर ही आए थे। हाँ जी किधर जा रहे हो? एक्चुअली गाइस मैंने एक्चुअली रेस्ट करनी थी, तो ये साहब कहते हैं कि हमारे साथ चलो। यार देखो ऐसा है, मैं घर जा रहा हूँ तो भी आपने देखा कि भैया कभी भी ब्लॉग में मम्मा को छोड़ के कोई भी ब्लॉग में कभी भी ज्यादा नहीं आता है, तो आज मैंने सोचा नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, जो काम मैं कर रहा हूँ वो सबको देखना भी पड़ेगा और मेरे साथ करना भी पड़ेगा। तो ये आप कागज लेके किधर जा रहे हो? ये देने यार मामा जी को। हां यार ऑडी कहां पे है? ऑडी भी एक सीक्रेट जगह पर लगाई है। भेज भूज दूं? नहीं 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 अभी नहीं बेची, अभी तो उस पर नंबर लगना है यार, अभी घूमना शूमना उस पर। चलो कोई नहीं, ये एक्चुअली नट कहीं से गिरा है, इसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर रखेंगे। ये क्या है? ये हिलता रहता है क्या? तो एक्चुअली क्या है, गाड़ी अभी अंदर से वॉश नहीं हो पाएगी, उसका रीजन ये है कि रोहन भाई का जो वैक्यूम है ना उसमें कोई इशू आ गया है, तो वो ठीक करवाने में गए हैं, वो खुद यहाँ पे है भी नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो बाहर बाहर से ही कर दो, क्योंकि अभी गए थे ना ट्रिप पे, तो इधर देखो साइडों से बड़े टायरों का इतना नुकसान रहता है, साइडों से बहुत गंदी हो जाती है। एक अंदर बैठा हुआ है, तू अंदर बैठा है, परेशान रहता है गाइस, ये भी रेस्ट मोड में ज्यादा रहते हैं। हाँ जी क्या हाल चाल है? ठीक हो? और रेस्ट कर रहे थे, सिर्फ बाहर बाहर से ही मारना है इसको, ठीक है। और बाकी ये देखो जोकर अपनी खड़ी है, मैंने आपको बोला था कि अभी ये चलेगी, बट टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, जो भी हो रहा है मतलब आप देख ही रहे हो ना कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, कैसे सारे काम होते हैं, तो बस जैसे जैसे होगा आप करेंगे, बस अब नेक्स्ट काम तो ये भी है। वॉश करके रखी रोहन भाई ने, हाँ वॉश करके रखी हुई है, फाइनली गाड़ी हो गई है वॉश, तो चलिए निकलते हैं। और मोहित फुल टाइम अंदर ही बैठा रहा गाड़ी के, क्या हुआ इसको, खुश हो आप ही? फिलहाल जा रहे हैं आपके लिए एक सरप्राइज है, बहुत दिनों से उस सरप्राइज का मैं मतलब काफी दिन से था, बट फिर अब मैंने सोचा कि अब आपको फाइनली एक सरप्राइज देने का जो टाइम है वो आ चुका है, ठीक है ठीक है। तो चलिए भाई लोग मिल गए थे, तो बस ठीक है फिलहाल जा रहे हैं भाई। गाइस अभी हम जा रहे थे अपनी गाड़ी देखने, ये रेड कलर की डीसी बनती किसकी है? फरारी लगती है, डीसी है पर लगती फरारी है। और ये देखो ये गाड़ी मुझे उससे ज्यादा प्यारी है, कन्वर्टिबल है ना जो। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोकेशन पे, और अब जो सरप्राइज है, ठीक है जी रेडी हो फिर मेरी नई गाड़ी देखने के लिए? जैसे देखो मेरे चैनल पे ना मैं बहुत सी चीजें ट्राई करता हूँ और मैं वो करता भी रहूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझे एक प्रोजेक्ट कार की जो है जरूरत है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक सुमो 4x4 को हम अपना प्रोजेक्ट कार जो है वो बना सकते हैं। मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, हो सकता है ये गाड़ी भी हो बट इसके अभी पार्ट्स वार्ट्स थोड़े से निकले हुए हैं, इस पे हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, ये मेन गाड़ी नहीं है। एक्चुअली मैंने ना भैया से बात करी, आशीष भी हैं, तो मैंने उन्हीं से बात करी, मैंने कहा मुझे ना एक प्रोजेक्ट कार चाहिए मेरे 4x4 ऑफ रोडिंग के पर्पज से, तो उन्होंने मुझे कहा यार एक तो मेरे पास सुमो खड़ी है, एक और गाड़ी खड़ी है, तो तू जाके देख ले तेरे को कौन सी गाड़ी जो सूट करेगी। तो मैं ना सुमो देखने आ गया था यार, देखो मतलब ना प्रोजेक्ट कार ऐसी भी होनी चाहिए जो सबसे डिफरेंट भी हो। सुमो थोड़ी सी ना ओल्ड स्कूल टाइप की है, और जैसे ये वाली जो है ये 4x4 है, ठीक है ना, ये यहाँ पे आप इसका डिफ जो है वो देख रहे हो, ठीक है, ये आपको डिफ दिख रहा है, हिस्सा दिख रहा है, इसका मतलब कि ये 4x4 गाड़ी है। अभी क्या है कि गाड़ी की हालत तो उतनी सही नहीं है, ठीक है, अभी तो इस पर काफी, अगर हम ये गाड़ी लेते हैं
तो हमें इस पे बहुत ज्यादा काम करवाना पड़ेगा, बट क्या है कि काम करवाना ही तो हमारा मेन पर्पज होता है। मोहित क्या बोलता है, इसको बनाया जाए झटका, इसको टैंक बना देंगे, क्योंकि जिस गाड़ी में बिल्कुल कुछ नहीं है ना उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे एक गाड़ी तैयार लो, उसकी एक चीज सही चलती हुई चीज को चेंज करना उतना सही नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, लगता है यार जो चीज सही चल रही है उसे शेल और चेसी यूज होगी, बाकी इसमें हम इंटीरियर टायर वायर सब कुछ कर सकते हैं। और मोहित को मुझे लगता है पसंद आ रही है, क्या बोलता है कर ले। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस गाड़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है, सुमो 4x4 क्या हमें इसे अपनी प्रोजेक्ट कार बनाना चाहिए और इसको हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो सब कुछ। और अभी यहाँ से हम जाएंगे अपनी दूसरी गाड़ी की ओर, तो चलिए कैसी लगी मेरी प्रोजेक्ट कार। अभी ये बननी है, अभी इस कंडीशन में देखो, जब ये तैयार होगी तो फिर सोचो क्या बनेगी। इसमें आपने क्या सवारी है, जम्मू टू सुंदरबनी, सुंदरबनी टू जम्मू। यार ये लोग नहीं समझते हैं वैल्यू को, जब ये गाड़ी अगर मैंने की ना देखोगे आप जो बनेगी। चलो बैठवा था, ये 4x4 है, 4x4 है, बस ये एक देखना था। नहीं एक और है ना, मेन चीज तो अभी दूर है। गाइस अभी हम जा रहे हैं आरटीओ वाली साइड, यहाँ पे भैया वेट कर रहे हैं, तो चलो। गाइस फिलहाल आप देख रहे हो ये रही हमारी दूसरी गाड़ी जो मैं आपको दिखाने चाह रहा था। तो अब आप यहां से बता सकते हो ये गाड़ी जो मैंने आपको पहले गाड़ी दिखाई है उससे इसकी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है। सर अब आ जाती है आपको ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाने वाली जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है ना, और वो देख के ना आपको भी बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपने वो सफारी में कभी नहीं देखा होगा। आपने सफारी डायकॉर बहुत देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको 2H 4H and 4 Low। तो बेसिकली ये है हमारी सफारी 4x4। अभी इस गाड़ी पे बहुत काम होना है, ठीक है ना, तो ये भी हम अपनी प्रोजेक्ट कार जो है इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। अब आपको मैंने दो गाड़ियां दिखा दी हैं, बिकॉज गाड़ियां हमारे पास बहुत सी आ जाती हैं, बट ऐसी गाड़ी मैं भी चाह रहा हूँ जिसका मेरे को लगे कि यार जिसमें मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि सफारी मेरे को बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद थी। करना मैं किसी और गाड़ी पे चाह रहा था बट अब उस पर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मेरा मन है सफारी या सुमो। आपने दो गाड़ियां देखी हैं, तो अब आप मुझे बताओ कौन सी गाड़ी जो है हमें लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी हमें अपनी प्रोजेक्ट कार में कंसीडर करनी चाहिए। और जितनी जल्दी आपके कमेंट्स आएंगे ना उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो इस गाड़ी पे काम जो है वो काफी सारा करना है, तो वो काम की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी तभी अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे आएगा। और मोहित डन करे पक्का? तो यार देखो अपने को ना एक बड़ी गाड़ी की जरूरत भी है, तो बस यही है, मैं आपको दिखाने के लिए आ गया था इसलिए। और अभी जो है ये स्टार्टिंग कंडीशन में भी है, ये देखो मतलब गाड़ी जो है स्टार्टिंग कंडीशन में है, अभी काम इसका सारा जो है वो चल रहा है, और बस यही है, तो यही दिखाने के लिए मैं आपको आ गया था। 2.2 VTT डायकॉन, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है कि ना इस गाड़ी को पहली बार ही देख रहा हूँ, और गाड़ी देख के ना मतलब मुझे कॉन्फिडेंस तो दे रही है कि मतलब इसे हम तैयार करवाएं और मज़ा इसमें जो है हमें आएगा पूरा पूरा। जैसे बड़ी सारी चीज़ें, जैसे देखो पीछे भी इसमें एसी वेसी। गाड़ी बेसिकली बनाने का सिर्फ एक ही होता है कि हम उस गाड़ी को एक्सप्लोर कितना कर सकते हैं, और ये गाड़ी हमें इतना पोटेंशियल देती है कि हम इसको इसकी लिमिट्स तक जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैंपिंग की गाड़ी ये बन सकती है, और ये गाड़ी ना हमें सिखाएगी बहुत कुछ, जैसे हमने जब जिप्सी ली उसने हमें बहुत कुछ सिखाया, ये गाड़ी भी वैसा ही करेगी। तो बस यही हमारा कुछ सीन है, तो अब आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये गाड़ी मैं दिखाने आपको लाया था, अब कमेंट सेक्शन में आ गया आपका काम। तो ये हैं कुछ नॉन इंटरेस्टेड लोग, आपने गाड़ी देखी भी नहीं ना जो मैं गाड़ी सेलेक्ट कर रहा हूँ, वही ये वाली। कौन सी ठीक है? वही ठीक है, रेड वाली। कितना अनइंटरेस्टेड हो गए, बोलते नहीं। जबरदस्ती है, ठीक है। वैसे अपना मन तो ना इस गाड़ी पे बहुत ज्यादा था, वो गाड़ियां दोनों अवेलेबल है, अभी 4x4 स्कॉर्पियो कोई अवेलेबल नहीं है, और फिर पजारो वगैरह आती है लेकिन उनके पार्ट्स वगैरह का इशू है। कौन सी गाड़ी पे, फॉर्चुनर भी तो है, वैसे फॉर्चुनर टाइप 3 लेंगे। ये पहुंच गए हैं ठिकाने पे, इधर देखिए अक्षय भैया दूर से देख के हंसते हुए, और ये हमारी टाटा पंच में डैम्पिंग हो रही है। अभी इसमें एकदम साउंड क्वालिटी बढ़िया से हो जाएगी, तो ये देखो खुले हुए डोर में इस तरह से डैम्पिंग होती है, बिल्कुल नई गाड़ी है। संजय भैया क्या हाल चाल है? नमस्कार, ठीक हो सर? अभी तो थे वहाँ, अभी यही तो संजय भैया खेल है। संजय भैया अभी वीडियो रेगुलर देखते हैं। हेलो जी, क्या है, क्या हाल चाल है? ठीक हो? एकदम फर्स्ट क्लास। गाय भी इधर ही है, हमने कहीं जाना है। और सुनाओ भैया क्या हाल चाल है आपके? तो गाइस ये एक बड़ा सही सा मैंने अभी देखा, जैसे ना टाटा वालों ने क्या है कि है तो ये रिम ही है लेकिन रिम के ऊपर भी ये प्लास्टिक का पार्ट दिया हुआ है और अपना लोगो इस पे लगाया हुआ है, तो ये इतना ना और नहीं लगता, नहीं तो स्टील व्हील क्या है बिल्कुल ये अजीब से लगते हैं, जैसे लोगो लगा हुआ है तो अच्छा लग रहा है ना। ठीक है जी, फिर ओके जी, मिलते हैं आपसे। बिल्कुल ओके ओके। एक बार ये सीन देख के ना बड़ा दुख सा होता है, कितनी प्यारी प्यारी पुरानी गाड़ियां होती हैं लेकिन सब पॉलिसीज की वजह से, रूल्स की वजह से ऑक्शन नहीं होती, कुछ नहीं होती, सब स्क्रैप में जाता है। मतलब एक टाइम पे क्या दौर होता होगा इन गाड़ियों का, हमारे टाइम पे भी तो चलती थी, ये वाली थी ना ब्लू और व्हाइट वाली, उस टाइम सरकारी यही गाड़ी होती थी, सरकारी यही गाड़ी है ना। ये पापा जब किसी डिपार्टमेंट पे थे तो उनके हेड के पास ये गाड़ी मिली हुई। हाँ ये था, गर्मी में बचना जरूरी है,
उसके लिए ये पीना जरूरी है। सो गाइस गाड़ी को अभी पार्क किया है वहाँ पे, अभी कुछ सामान लेने जाना था तो फिर गाड़ी अंदर पार्क हो नहीं सकती है तो उधर रोड पे ही खड़ी कर दी है, तो मेडिसिन लेने जा रहा हूँ तो वो लेनी है। तो जी ये ले ली है मेडिसिन जितनी भी थी, अभी कुछ रह गई है वो जाके लेनी है। जिस जिसने गाड़ी लगाई सबकी गाड़ी उठी गई, ये गई इसलिए बोलते हैं रॉन्ग पार्किंग। ये वैगनर भी उठेगी अगर इसको भी नहीं हटाया तो, उसके बीच है बंदा बैठा हुआ अभी। बैठा हुआ है ना। एक्चुअली क्या है कि हम कुछ मेडिसिन हमें नहीं मिली थी वो लेने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ पे दो शॉप्स हैं बख्शी नगर में लेकिन दोनों के दोनों बंद हैं। तो चलो अब जितनी मिली है उसी से काम चलाओ। आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे लगी आपको ब्लॉगिंग? इट्स ऑल गुड, ऑल गुड, वेरी नॉर्मल। तो गाइस इसी के साथ ख़त्म होता है आज का दिन। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का दिन अच्छा लगा होगा। कुछ काम आपको दिया गया है हमारी नई प्रोजेक्ट कार के लिए, तो कौन सी वाली आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।